जिस तरीके से पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, कहीं ना कहीं जो पेट्रोल का दाम है वो 7% बढ़ते जा रहे हैं, उनमें इजाफा होता जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं किचन की अर्थव्यवस्था की, जो किचन की अर्थव्यवस्था है उस पर भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो महंगाई का हंटर है वो किस तरीके से किचन की अर्थव्यवस्था को चरमरा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक घरेलू किचन के अंदर, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं तस्वीरों की, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से जो महंगाई का जो हंटर है, जो किचन की अर्थव्यवस्था है, किस तरीके से चरमराती हुई दिख रही है। जो किचन की व्यवस्था है उस पर किस तरीके से हम महंगाई का प्रभाव दिखता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो महंगाई का हंटर है, रोजमर्रा की जिंदगी है, उस पर किचन की अर्थव्यवस्था को लेकर के उन पर आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपका नाम क्या है? रश्मि शुक्ला। जो महंगाई है और महंगाई को लेकर के रोजमर्रा की जिंदगी पर आपकी किचन की अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। इधर कुछ सालों से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, खास करके गैस सिलेंडर दिन पर दिन उसमें इजाफा होता ही जा रहा है। हम चाहते हैं कि कुछ सरकार उसको कम करे या कुछ कम करने की कोशिश करे। और बाकी चीजें जैसे आप देख रहे हैं कि घर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो तेल का जो रेट है, जो मस्टर्ड ऑयल है, जो सरसों का तेल है, उसका रेट काफी ज्यादा हाई होता जा रहा है। ज्यादा उसको लेकर के आप क्या कहेंगी? बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। जिन लोगों के पास खेत वगैरह नहीं है, जिनको खरीदना पड़ता है, वो इस महंगाई की मार से मरे जा रहे हैं। इसलिए कुछ करना चाहिए सरकार को। तो ये थे हमारे साथ रश्मि शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो चरम सीमा पर जा रही है। जो महंगाई है, महंगाई का हंटर उनकी किचन की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से उनकी किचन की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहा है और किचन की अर्थव्यवस्था किस तरीके से डगमगा रही है। क्या नाम है आपका? निशा त्रिपाठी। जो किचन की अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति काफी ज्यादा डगमगाती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? महंगाई तो है और इतनी ज्यादा है कि पहले एक व्यक्ति कमाता था और घर का खर्च आराम से चलता था, लेकिन आज का समय है कि घर के सभी सदस्य कमाते हैं, लेकिन फिर भी उस तरह का जो भंडारण है वो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि लोग जो है मतलब सामाजिक दिखावा में इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिस कारण से हर चीज में पैसे बढ़ते जा रहे हैं। वो तो धन्यवाद है मोदी जी को, जिन्होंने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ जो राशन उनको देकर और उनको जो मकान है वो उनके लिए बनवाकर जो उनका सपोर्ट किया है, ये वाकई तारीफ के लायक है। जो किचन की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो तेल है जो चरम सीमा पर पहुंच रहा है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? तेल की महंगाई भी हाँ इस समय बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और सबसे ज्यादा तो सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि सभी घरेलू जो घर की जितनी भी रसोई है सबके घरों पर ये असर जरूर पड़ा है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनके बिना किचन चलना संभव ही नहीं है और तेल उनमें से तो एक ही है। तो इस कारण से मतलब मेरे विचार से जो ये लोग इतना ज्यादा दिखावे में और घरों को इतना ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, जिस कारण से खेत और ये सब चीजें कम होती जा रही हैं। क्या नाम है आपका? मंजू तिवारी। जो किचन की अर्थव्यवस्था है उस पर रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर हम बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि जो दालें हैं, सब्जियां हैं, गैस सिलेंडर है, ये सब को लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं। रिफाइंड है, तेल है, इन सब चीजों में महंगाई का बहुत गहरा असर पड़ रहा है, जिसको लेके हम दो टाइम के खाने तक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जो तेल का रेट है जो हाई सीमा पर जा रहा है, जो चरम सीमा पर पहुंच रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इस पे कुछ गिरावट लाई जाए, तभी हम सरकार से अपील करेंगे कि बच्चों को दो टाइम का खाना दें और अच्छे से अच्छी व्यवस्था चला सकें, अपना किचन मैनेज कर सकें, ये महंगाई रोकी जाए। और आप क्या कहना चाहती हैं महंगाई को लेकर के? जिस तरीके से आम जनता पर महंगाई का जो हंटर चल रहा है, आपकी किचन व्यवस्था किस तरीके से चरमरा रही है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगी? आप देख सकते हैं मेरे किचन के हालात, सब डिब्बे डिब्बा खाली हो चुके हैं और ना तो मेरे पास सब रिफाइंड है, ना तेल है, ना दालें हैं, सब्जियां नहीं है, सिलेंडर की दिक्कत हो रही है। इस तरह की मारामारी में दो टाइम का खाना जुटा पाना मुश्किल हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ अंजू तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था जो है उनकी किचन की किस तरीके से चरमरा रही है, महंगाई का जो हंटर है किस तरीके से उनकी किचन की व्यवस्था पर चल रहा है। मैं शिल्पा तिवारी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, लखनऊ।